हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस सेक्शन अपन ने मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 7 डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन 1 से 11 डिस्कस किए थे। आज अपन उसके आगे वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन 12 से, तो आइए सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 12 है, इफ़ साइन वाई इक्वल्स टू एक्स साइन ए प्लस वाई, देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इधर आपको साइन वाई की टर्म मिल रही है, इधर एक्स और वाई दोनों पैरामीटर मिल रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, इनको वेरिएबल को सेपरेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो देखिए आप, ये x है, ये अपनी जगह एज इट इज़ और ये साइन ए प्लस वाई इसके अपोन में आ रहा है। तो देखिए साइन y अपोन साइन ए प्लस वाई इक्वस टू एक्स। क्या किया यहाँ पे, x को एज इट इज रखा मैंने, साइन ए प्लस वाई को इसके अपोन में भेज दिया। इससे क्या हो गया, एक साइड में अपने खाली x की टर्म है और इधर खाली y की टर्म है, मतलब वेरिएबल को सेपरेट किया है। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y। अब तक अपन x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, यहाँ पे y की मैं कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, कि x सिंगल मिल रहा है तो dx एक्स अपॉन डी वाई आ जाएगा यहाँ से, x का y के रेस्पेक्ट में, और फिर उसका अपन रेसिप्रोकल कर देंगे तो dy वाई बाई डी एक्स अपने पास आ जाएगा। तो देखिए मैं पहले RHS लिए लिख रहा हूँ, डी एक्स अपॉन डी वाई, यानी एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में कितना हो गया, डी एक्स अपॉन डी वाई। इसमें यू अपॉन वी वाली आइडेंटिटी अपन अप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या होगा, वी का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई एज इट इज रहेगा, और इस ऊपर वाले साइन वाई का होगा कोस वाई, माइनस यू एज इट इज रहेगा। तो ये साइन वाई एज इट इज रहेगा, और डिनोमिनेटर साइन ए प्लस वाई का करेंगे तो क्या होगा, ये कॉस ए प्लस वाई हो जाएगा। चेन रूल अगर इसमें लगाएं अपन, तो साइन का कॉस हो गया, फिर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे अपन। ए कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, ए का कितना हो जाएगा जीरो, और वाई का वाई के रेस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन है वो कितना होगा वन। तो इंटू में अपन जीरो प्लस वन करेंगे तो वन हो गया, और वन की यहाँ पे कोई एग्जिस्टेंस नहीं है तो अपन वन नहीं लिखते इसमें। नेक्स्ट देखिए, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू, देखिए स्टूडेंट यहाँ एक आइडेंटिटी बन रही है। आप ए प्लस वाई को एक्स मान लो तो ये भी एक्स हो जाएगा इधर। तो देखिए साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, यहाँ आइडेंटिटी में लिख देता हूँ। देखिए साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई इक्वल्स टू, आइडेंटिटी होती है साइन एक्स माइनस वाई की, जो अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी थी। तो वही आइडेंटिटी बन रही है, इसको एक्स माना अपन ने, तो ये हो गया साइन एक्स कोस वाई माइनस, ये देखिए कोस एक्स और साइन वाई। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस वाई। तो एक्स कितना अपने पास ए प्लस वाई है, और वाई कितना है ओनली वाई, तो माइनस का वाई होल अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। यहाँ वाई से वाई कैंसिल आउट हो गया, तो क्या रही आगे वो कितनी आ गई, डी एक्स अपॉन डी वाई की जो वैल्यू है वो है साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, अपन को क्या प्रूव करना था, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, रेसिप्रोकल जिसको व्युत्क्रम बोलते हैं अपन, इसका रिवर्स करेंगे दोनों साइड में। तो डी एक्स अपॉन डी वाई है, ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल्स टू, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन स्क्वायर वाई ए प्लस वाई ये ऊपर चला गया, और डिवाइड बाय साइन ए, हैंस प्रूव। तो स्टूडेंट एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ वाई इक्वल्स टू साइन साइन एक्स, देन प्रूव दैट डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, वाई दे रखा है आपको, यहाँ डबल डेरिवेटिव आपको निकालना है,
तो मैं फर्स्ट कर रहा हूँ डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का कितना हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिए चेन रूल लगाएंगे, फंक्शन एक ही है, एक्स एक ही बार आ रहा है इसमें, तो पहले साइन का करेंगे तो क्या होगा कोस साइन एक्स, ये एज इट इज रहेगा, कोस साइन का क्या हो गया कोस, और ये एक्स साइन एक्स था तो ये एज इट इज रह गया इन टू, अब साइन एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा कोस एक्स, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, देन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एक से ज़्यादा फंक्शन हो गया, कोस एक्स अलग है कोस साइन एक्स ये अलग है, तो इसमें अपन यू इंटू वी लगाएंगे, तो देखिए ये कोस एक्स है इसको मैंने एज इट इज रखा है और इसका कर रहा हूँ मैं, तो चेन रूल लगेगा पहले कोस का होगा, इस कोस का क्या होगा माइनस साइन और ये साइन एक्स, ठीक है कोस इसका करेंगे तो माइनस साइन हो गया ये साइन एक्स, अब इस साइन एक्स का करेंगे तो क्या होगा इन टू में कोस एक्स, क्लियर है यहाँ तक, ये इसके साथ में इन टू रहेगा, ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट अब क्या करेंगे प्लस और कोस साइन एक्स, कोस साइन एक्स यानी फर्स्ट पार्ट कोस साइन एक्स ये एज इट इज रखेंगे, इस कोस एक्स का करेंगे तो इसका कितना आएगा माइनस का साइन एक्स, यहाँ तक क्लियर होगा। अब आप देखिए अपन को यहाँ पे प्रूव ये करना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स आना चाहिए तो और एक डीवाई बाई डी एक्स लेके आना है, तो स्टूडेंट यहाँ से क्या होगा अपन वैल्यू पुट करेंगे इसकी, देखिए वाई की वैल्यू कितनी है साइन साइन एक्स, तो यहाँ पे साइन साइन एक्स इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं अपन वाई, तो देखिए क्या हो गया माइनस, ये तो माइनस बाहर आ गया सबसे, और साइन साइन एक्स की जगह कितना आ गया माइनस का वाई, कोस एक्स इंटू कोस एक्स क्या हो गया कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। फिर प्लस इस वाले फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, ये माइनस लगा दो, देखो माइनस बाहर आ रहा है ना, इस वाले माइनस को बाहर ही ले हो आप, माइनस बाहर ले लिया, ये साइन एक्स पहले पुट कर दिया मैंने और ये है कोस साइन एक्स, ठीक है एज इट इज। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ इंटू कर रहा हूँ ऊपर कोस एक्स से, ये एक लॉजिक है आप ध्यान में रखना इसको, और डिवाइड भी किससे कर रहा हूँ मैं कोस एक्स को, यानी ऊपर नीचे कोस एक्स से इंटू और डिवाइड कर दिया, तो आप देख रहे हो यहाँ पे इक्वेशन वन में डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है कोस साइन एक्स इंटू कोस एक्स, देखिए यहाँ से कोस साइन एक्स इंटू कोस एक्स, इसको अपन इक्वेशन वन से क्या पुट कर सकते हैं डीवाई बाई डी एक्स पुट कर सकते हैं, और साइन अपॉन कोस जो है वो क्या हो जाएगा टेन, तो देखिए स्टूडेंट डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आ रहा है माइनस का ये वाई कोस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस साइन अपॉन कोस इसको लिखेंगे अपन टेन एक्स, और इस कंप्लीट को इक्वेशन एक से क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर है। अब इन दोनों को इधर ट्रांसपोज कर दो, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये वाली टर्म इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी प्लस टेन एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये वाली टर्म भी इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी तो प्लस वाई कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा जीरो, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, यही अपन को देखिए प्रूव करना था यहाँ से, तो क्लियर हो गया होगा। एक बार या तो वीडियो को पॉज करके आप दोबारा देख लो या फिर इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ वाई इक्वल्स टू e की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स देन प्रूव दैट डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू ए डीवाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू जीरो। तो देखिए स्टूडेंट y इक्वल्स टू e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ये इक्वेशन वन ले रहा हूँ मैं, और इसका आप सॉल्यूशन देखिए आप डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, y है दे रखा है इधर अपन को, देखिए डबल डेरिवेटिव करना है प्रूव में डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो अपन क्या करेंगे इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो y का कितना हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू,
यहाँ पे दो फंक्शन है तो u इंटू वी लगा देंगे, e की पावर ए एक्स एज इट इज है, साइन बी एक्स का करेंगे तो कोस बी एक्स, और बी एक्स का करेंगे तो कितना होगा b, और ये b मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में लगा दिया तो b इंटू e की पावर एक्स कोस बी एक्स प्लस साइन बी एक्स एज इट इज रहेगा, और e की पावर ए एक्स का करेंगे तो देखिए क्या होगा, e की पावर ए एक्स ये e का हो गया, अब ए एक्स का करेंगे तो कितना होगा a, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक इक्वेशन ये फर्स्ट थी और ये इक्वेशन हो गई सेकेंड, डिवाइड बाई डी एक्स अपन ने इसका निकाल लिया। अब स्टूडेंट आप देखिए एक बार, e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स है, यहाँ से देख रहे होंगे आप, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन y लिख सकते हैं कि नहीं, तो अपना जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा, देखिए dy by dx equals to, ये तो एज इट इज रहेगा, b into e की पावर ax into cos bx, और प्लस इसको अपन y पुट करेंगे इंटू में रह गया a, इसको ay लिखेंगे। क्लियर है, आप चाहो तो इसको दे दो इक्वेशन सेकंड या इसको भी दे सकते हो, तो यहाँ से मैं हटा रहा हूँ इसको, इक्वेशन सेकंड इसी को दे रहा हूँ। क्लियर है, अब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो गया, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये बी कॉन्स्टेंट है ये बाहर रहेगा, इसमें यू इंटू वी लगेगा तो ई की पावर ए एक्स ये एज इट इज है, कोस बी एक्स का करेंगे तो कोस का क्या होता है माइनस साइन बी एक्स एज इट इज रहेगा, अब बी एक्स का करेंगे तो कितना होगा बी, तो इस बी को आप यहाँ इंटू में कर सकते हो, फिर प्लस अब इसका करेंगे अपन ये एज इट इज रखेंगे, कोस बी एक्स ये एज इट इज रहेगा, ई की पावर ए एक्स का करेंगे तो क्या होगा ई की पावर ए एक्स इंटू ए। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट का, फिर प्लस तो यहाँ प्लस करके a है वो एज इट इज रहेगा, y का कितना हो गया dy by dx। क्लियर है स्टूडेंट, यहाँ से इस पूरे पार्ट का अपन ने डबल टाइम डेरिवेटिव अप कर दिया, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए d2y टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इस b को अंदर ले रहा हूँ मैं तो ये b इंटू बी कितना हो गया b स्क्वायर e की पावर ए एक्स, ये माइनस था ये माइनस बाहर लगा दिया इंटू साइन बी एक्स, ये अंदर इससे भी इंटू होगा तो प्लस का ए बी कोस, पहले ई की पावर ए एक्स लिख देता हूँ मैं, ये बी ए से इंटू हो गया तो ए बी हो गया, फिर ई की पावर ए एक्स इंटू कोस बी एक्स, ठीक है, और प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स, ये एज इट इज है। तो यहाँ तक स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा आपको, अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर अपन आगे इसको प्रोसीड करेंगे। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, मैंने इक्वेशन सेकंड और ये फर्स्ट रखी है कि एक बार इसके आगे क्या होगा वो यहाँ पुट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको हटा दूंगा, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए आप माइनस का बी स्क्वायर और e की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, ये देख पा रहे हो ना आप, e की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, इसको अपन क्या पुट कर सकते हैं y, तो ये बी स्क्वायर इंटू वाई तो इसकी जगह लिख दिया मैंने, फिर प्लस ये आगे देखिए a ये एज इट इज है, देखिए b इंटू e की पावर ए एक्स इंटू कोस बी एक्स, देखिए आप b इंटू ए की पावर x इंटू कोस बी एक्स, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं इक्वेशन टू से dy बाई डी एक्स और इसको माइनस ए वाई इधर ट्रांसपोज कर दो, तो क्या लिखेंगे अपन इसको, a तो एज इट इज है अपनी जगह ये वाला, इसकी जगह क्या लिखेंगे अपन इक्वेशन सेकंड से dy बाई डी एक्स और माइनस ए वाई, ये क्लियर हो गया होगा, और प्लस a इंटू dy बाई डी एक्स। स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, एक बार मैं ये ऊपर वाला पार्ट अब रफ कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक इसके आगे देखिए हम डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ये देखिए बी स्क्वायर इंटू वाई
इस a को अंदर इंटू कर रहा हूँ मैं, तो प्लस a dy बाई डी एक्स और माइनस ए स्क्वायर वाई और प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है यहाँ तक। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसमें देखिए y इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, दोनों में से मैं माइनस का y कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ क्या रहेगा ए स्क्वायर प्लस का और यहाँ प्लस का बी स्क्वायर, और a डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स मिलके कितना हो गया 2a dy by dx हो जाएगा। इसको अगर इधर ट्रांसपोज करेंगे LHS में तो dy by d2y upon dx square ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। एक बार पहले उसको कर देता हूँ मैं, माइनस 2a dy by dx, देखिए पहले इस dy by dx वाली टर्म को लिख रहा हूँ क्योंकि अपन जो डिफरेंशिएशन हो रहा है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो d2y upon dx square फिर dy by dx फिर y वाली जो टर्म है वो लिखेंगे, तो ये इधर प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, और ये माइनस का है तो इधर LHS में आके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का वाई और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां तक समझ में आ गया होगा आपको, यही प्रूव करना था, और इसके इक्वल में क्या हो जाएगा, अब इसके इक्वल में कितना हो जाएगा जीरो, ठीक है। Hence proved, ये देखिए यहाँ से डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई, तो क्लियर हो गया स्टूडेंट। यहाँ से एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को दोबारा आप एक बार देख के भी इसको सॉल्व कर सकते हो।